व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है सबका। आप देख रहे हो कर्ण पोल्ट्री, मैं हूँ का भाई करण। तो हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो लेके आपके लिए। तो भाई लोग, जैसे पता ही है आपको कि अभी सर्दियाँ आ गई हैं, तो मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा सर्दियों में। तो चलो बात करते हैं। मेरा चिक्स आ रहा है 13 तारीख को, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपनी लास्ट वीडियो में। तो भाई लोग, मेरी तैयारी है ना जो पूरी हो चुकी है, सफाई भी हो चुकी है पूरी। तो अभी हमारे पानी वाले डब्बे लग रहे हैं, मैं अभी ऊपर हूँ शेड में। तो बात करते हैं कि मैंने ना अपनी बोरी लगा दी है पूरी अपनी, मैं पास में दिखाता हूँ। बोरी है जो अपनी जो होती नहीं है, जिसमें अपने चीनी वगैरह आती है, खंड वगैरह, जो वो बोरी है। 1 क्विंटल की बोरी आती है, 50 किलो की आती है, मैंने वो बोरी है मेरे पास। मैंने पूरा अपना शेड इससे कवर कर दिया है, पूरा नहीं किया है, पूरा करेंगे अगली बार। अभी तो फिलहाल इतना ही करेंगे जितना अपना 10 दिन में चिक्स खुल जाए अपना जितना भी, क्योंकि उससे ये फ़ायदा है कि मेरा बूरा बच जाएगा ठीक। क्योंकि इसमें ना ये थोड़ी गर्म हो जाती है, तो थोड़ा टेम्परेचर इससे बढ़ जाता है 5-6 डिग्री। हम तो ऐसे ही लगाते हैं कितने सालों से, इससे बहुत फ़ायदा है। आप भी लगा के देखना, तो अपना कमरा थोड़ा गर्म लगता है ना इस वजह से। तो बाकी मैंने भट्टी भी लगा दी है, भट्टी लगाई है मैंने, 16 भट्टी लगाई हैं टोटल फार्म है अपने। 8 नीचे लगाई हैं, 8 ऊपर, 8 नहीं सॉरी 10 भट्टी लगाई हैं ऊपर, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 इस साइड लगाई हैं और 5 इस साइड लगाई हैं भट्टी मैंने। जब चिक्स आएगा उससे हम एक दिन पहले इसको जलाएंगे कि थोड़ा बहुत टेम्परेचर है ना जो बढ़ जाए रूम का। फिर जब चिक्स आएगा फिर तो कंटिन्यू भट्टी चलेंगी, बच्चे के अनुसार जितनी ज़रूरत है उनको टेम्परेचर की, उस हिसाब से हम भट्टी जलाएंगे। बल्ब लगाएंगे हम 200 वाट के, ये बल्ब है ना, जो ये बल्ब मैं उतार दूंगा, इस पर नीचे से होल्डर लगा के ना कम से कम 3 फीट हाइट ऊपर करके बल्ब लगाएंगे 200 वाट के। देखते हैं बल्ब कितने लगते हैं, कम से कम फिर भी 10-12 बल्ब लग ही जाएंगे नीचे, 10-12 ऊपर, मान के चलो अप्रोक्स 22 से 23 लगेंगे बल्ब मेरे 200 वाट के। क्योंकि जब चिक्स आते हैं ना उसको ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई लोग, अपना मैनेजमेंट का, अभी सर्दियाँ आ गई हैं, ध्यान रखना पूरा, भट्टी वगैरह बुरा वैदा वगैरह अपना पहले मंगवा लेना, क्योंकि मौके पे बुरा नहीं मिलता। तो मैंने पूरा मंगवा लिया था 200 क्विंटल, जितना भी लगेगा मेरा पूरी सर्दी में। तो आप भी अपनी तैयारी का पूरा बढ़िया जुगाड़ करना पहले से ही। बाकी पानी वाले डब्बे रह गए, वो भी चलो बंदे लगा देंगे मेरे। अभी मिलते हैं, जब चिक्स आएगा तब वीडियो डालूंगा मैं। बाकी ऐसे तैयारी करता हूँ, तो आप भी देख लेना। जैसे पूरा देखो हमारी सफाई हो गई है पूरी, कहीं भी आपको कोई भी हल्का फुल्का भी जाला दिखेगा नहीं, A to Z पूरा हम लोगों ने फार्म नीचे से भी ऊपर से भी पूरा क्लीन किया है। पूरी शेड में मैंने पहले ही फक खिलार दी है, क्योंकि मौके पर खिलारते हैं तो उसमें धूल मिट्टी उड़ता है, तो बच्चा बीमार हो सकता है मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं अपनी पूरी शेड को पहले ही रेडी कर देता हूँ, और देख सकते हो दूर तक पूरी शेड में मैंने फक खिलार दी है। नीचे मैंने चूना खिलारा था, चूना खिलार के बाद में हम लोगों ने इस पर फक खिलारा, स्प्रे फिर से मारा, पहले भी मारा था, बाद में फिर स्प्रे मारा, अभी फिर स्प्रे एक बार मारेंगे और चिक्स आने से 1-2 बार पहले। क्योंकि जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी अपनी रहेगी, बायो सिक्योरिटी उतना ही बढ़िया है। बाकी चलो मिलते हैं भाई लोग। एक बात हो यार, जो मेरे भाई वीडियो देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करना। थोड़ा अच्छा लगता है जब मेरे भाई मेरे को मैसेज करते हैं ना, कुछ पूछते हैं, कुछ बताते हैं ना, जहाँ मेरी गलती हो मुझे बता दिया करो कि भाई लोग आप लोगों ने ये गलत किया, काम किया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, वीडियो देखते रहना। थैंक यू मेरे भाई लोग।